क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बनेगा चुनावी मुद्दा? टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता उमेश पाठक से बातचीत में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए। यानी ये इशू रहेगा सर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी इशू रहेगा कि इस तरह का विकास समाजवादियों ने किया है, बीजेपी कम से कम उस कार्य का उद्घाटन करे जिसका उन्होंने खुद शिलान्यास किया हो। क्या विधानसभा के सामने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास नहीं हुआ? क्या सबसे पहले बजट आवंटन नहीं हुआ? क्या लैंड एक्विजिशन उसके समय नहीं शुरू हुई? 70% के लगभग जमीन ले ली गई थी या करार हो गया था किसानों के साथ, उसी का परिणाम है कि जमीन एक्विजिशन में कहीं आंदोलन नहीं हुआ, धरना नहीं हुआ, प्रदर्शन नहीं हुआ। तो कम से कम ये तो बताए सरकार कि किसकी देन है। उनके घोषणा पत्र में हो तो बताओ, दिल्ली के घोषणा पत्र में हो तो बताए। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी रफ्तार बिहार में क्यों नहीं? विपक्ष ने यह सवाल बीजेपी और राज्य के सीएम नीतीश कुमार से पूछा। आप छोड़ दीजिए बिहार के 3800 जिला की बात, हम पटना जिला की बात करते हैं। कहाँ है सड़क, कहाँ है पुल? आप अशोक राजपथ कुछ बना लिए और आपने बनाया, और किस तरह का ट्रैफिक व्यवस्था है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शानदार आगाज किया, इसके बाद बीजेपी उत्साहित है। बिहार के विपक्ष का सवाल है कि बिहार में आज भी इस तरह का एक भी एक्सप्रेसवे क्यों नहीं है। पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे जब बनेगा, जिसकी स्वीकृति भारतमाला फेज 2 में मिली है हम लोग को, तो निश्चित रूप से वो उसी प्रकार का एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का वो सड़क प्रमुख बनेगा। फिलहाल 17 किलोमीटर का स्ट्रेच बनेगा जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पटना और बक्सर और बिहार शरीफ से जुड़ेगा।